अबे ओ मेरी तांत अबे ये क्या हो गया अबे कमीने मेरा बाल यार तुम इसको बम यार जोर से खींच इसका पांव फंस गया है सारा पांव तोड़ दिया अबे कमीना छोड़ दो मुझे कर रहा है बस निकलने वाली तू दोनों जोर लगा कर पीछे से खींचो खींचो निकलने वाली बस खींचो यार निकल गई अबे कमीने मेरी टांग तोड़ दी मेरी टांग तोड़ दी मेरी टांग में दर्द खा जा रहा है अब इसमें हमारी क्या गलती है मेरी टांग तोड़ दी मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा कमीने जो जो डॉक्टर के पास ले चलो अब तीन दिन से बारिश हो रही है रास्ते तो सारे हैं बंद हकीम झटके के पास ले चलते हैं झटके के पास नहीं 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 मुझे नहीं जाना हकीम के पास मुझे इधर ही रहने दो मुझे हकीम के पास नहीं जाना मुझे हकीम के पास नहीं जाना मुझे छोड़ो कुछ नहीं होता सर्दियाँ हैं अब तो चार महीनों के लिए मैं बिस्तर पे बैठ जाऊंगा हकीम के पास पहुँचिया है किसने कहा हकीम झटका इस बेचारे की टांग टूट गई इसको जरा चेक करना टांग टूटी थोड़ी है कमीना तुम लोगों ने तोड़ी है हाँ, हमने थोड़ी तोड़ी है छोटे हथियार ले आ बेटा टेंशन नहीं लेनी पुराने वक्तों में मुगलिया संतलत में जब हाथियों की टांगे टूटा करती थी ना तो वो मेरे दादा अबू जोड़ा करते थे सबसे पहले इसके मुंह के ऊपर चादर डालो अबे हकीम चादर क्यों डालनी है अबे यो चादर क्यों डाल रहे हो मेरे ऊपर अबे कमीने चादर हटाओ मेरे मुंह से अबे कमीने चादर हटाओ मुझे कैसे डर रही हो अबे झटके हकीम अबे हकीम इतनी बदबूदार चादर डाल दिया मेरे ऊपर चादर के बगैर इलाज नहीं हो सकता मेरा हटा लो ये चादर अच्छा हटा लो हटा लो सबसे पहले तू मुझे ये बता तू तेरी नजर का मसला है नहीं हकीम साहब मुझे बिल्कुल ठीक नजर आता है फिरंदा था तू इनके दरमियान जाके लगा अबे हकीम मैं दर्द से मर रहा हूँ मेरी टांग में दर्द है तुम बाजू को पकड़ के बैठे हो सुबह से आई, आई चलो एक बंदा इसकी टांग पकड़ो तेरा कगरे रे हकीम तू बर्बाद हो जाए हकीम तेरा खाना खराब हो मेरा पाँव तोड़ दिया चिल्लाओ मत मैंने इलाज शुरू कर दिया है जब दर्द खत्म हो तो फिर मुझे बताना छोटे वद्दे वाली मलम लेके आ जी उस्ताद भी आया अबे हकीम तेरा खाना खराब हो मुझे छोड़ मुझे नहीं कराना इलाज ओ मुझे छोड़ हकीम ओ मुझे ओ तुझे खुदा के नाम है मुझे छोड़ दो हकीम खुदा के नाम लो मुझे छोड़ दो बेटा दर्द को आराम आया अगर इसी तरह चलता रहा तो हकीम मेरी बच्ची कुची टांग भी तोड़ देगा उससे पहले हकीम मेरी टांग का हशर नशर करे झूठी बोल लेता जी हकीम साहब मेरी टांग बिल्कुल ठीक हो गई है दर्द बिल्कुल खत्म हो गया मुझे मैं बिल्कुल ठीक हूँ आई ना मेरी हिकमत आज काम छोटे पटिया ले आ हाँ बस अब इसकी टांग बिल्कुल ठीक है चलो अब इसको ले जाओ और पूरे 2 महीने इसकी टांग को टेढ़ा नहीं होने देना एक ही चार पाई पे इसे सुला के रखना है ठीक है आराम से गिर जाओगे आराम से गिर जाओ बस एक दफा मुझे छोड़ो सब लोग मेरी जान के लिए पागल हो गए मत से जोड़ के मुझे निकाल दो मेरे साथ